मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया पुलिस ने शासकीय विद्यालय में चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिनांक 26 जुलाई 2022 को फरियादी प्राचार्य रामलखन सोनी पिता उग्रसेन सोनी निवासी नेहरू नगर थाना समान रीवा थाना बिछिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि शासकीय विद्यालय कन्नौजा के ग्राउंड में लगे बोर से लूबी कंपनी की समर्सिबल पंप को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की सूचना बिछिया को मिलने पर बिछिया पुलिस द्वारा धारा 379 के तहत पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के संदेही रवि पटेल पिता त्रिवेणी पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी कनौजा थाना बिछिया से पूछताछ के दौरान अपने साथी श्रवण पटेल निवासी कनौजा सुधीर नामदेव निवासी कनौजा के साथ मिलकर घटना करना कबूल करने पर आरोपी रवि पटेल के कब्जे से चोरी गया मसरू का जब्त किया गया व आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिछिया पुलिस ने आरोपी के पास से एक नग लूबी कंपनी का हार्स पावर समर्सिबल पंप जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई गई है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम पुलिस ने रवि पटेल उर्फ रैना पिता त्रिवेणी पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी कनौजा सुधीर नामदेव पिता अजय नामदेव उम्र 21 वर्ष निवासी कनौजा श्रवण पटेल पिता रामकृपाल पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी कनौजा बताया गया है। चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या? जी हाँ, ये पिछले माह 26 तारीख को जो है कनौजा स्कूल में एक चोरी की घटना की शिकायत हुई थी। उसकी कई बार संदेही की पत्रताश की गई। एक संदेही जो है रवि पटेल को पकड़ा गया था और रवि पटेल से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी जो है श्रवण पटेल और सुधीर नामदेव के साथ मिलकर जो है घटना करना कबूल किया है और रवि जो है पटेल से एक हाफ पावर की समर्सिबल पंप जो है बरामद हुई है, जिसे जब्त कर जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और माल बरामद किया गया है। सरकारी स्कूल में चोरी हुई है। जी हाँ, कीमत कितनी है? ये करीब 15,000 कीमती है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।